मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। कई बार आप ऐसा मत करिए, बच्चों को कई बार ऐसा लगता है झपकी आ रही है तो आप जबरदस्ती पढ़ने को मत बिठाइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुर्सी पर बैठते ही ऊंघने लगते हैं, तो उनसे कहिए कि देखो किताब बंद कर दो और जाके सो जाओ। वो 20-25 मिनट सो के आएंगे, पहले से ज्यादा फ्रेश होंगे, क्योंकि सो के उठते ही कफ का असर कम हो जाएगा और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती। ये और बात एक ध्यान दीजिए, कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित्त के असर में ही होती है। पित्त बढ़ना चाहिए, कफ कम होना चाहिए, तभी पढ़ाई अच्छी होगी। तो जब तक कफ बिगड़ा हुआ है, असर उसका भयंकर दुष्प्रभावी है, पढ़ने के लिए मत बोलिए उनको, कहिए सो जाओ। कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय है कहो सो जाओ, तो 20 मिनट सोएंगे, आधा घंटे, एक घंटे या दो घंटे सो जाए, फिर कहो अब उठने दो, अपने आप से उठने दो। अब अपने आप से जब उठे तब उनका कफ पूरी तरह से शांत होगा, फिर जो भी पढ़ेंगे मगज में बैठेगा, दिमाग में बैठे। और एक छोटी सी बात, आप सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए जो मार मार के उठाते हैं अपने बच्चों को, आप बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो, बहुत बड़ा अत्याचार कर। कारण क्या है वो समझ लीजिए, समझ लीजिए वो। ये मैं ये कह रहा हूं कि आप करें जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जरूर लीजिए, ताकि आपको करते समय ध्यान में रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत। बच्चों को मार मार के सवेरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार उनके ऊपर होता है। वो क्या होता है, सुबह का समय कफ का समय है, दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है, उस समय उनको सबसे गहरी नींद आएगी, वो प्रकृति का नियम है। और उसी समय मार पीट के आप उनको उठा के बाथरूम में करते, चल जल्दी से नहा, बस आ गई है, ऑटो रिक्शा आ गया है। अरे ये बस और ऑटो रिक्शा क्या करेंगे उसकी जिंदगी को, मैंने ही क्या कर लिया इतना सब पढ़ने के बाद, क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिंदगी के कभी काम नहीं आया। काम तो वो आ रहा है जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा। स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और पता नहीं कितनी कॉपियां रंग डाली, आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब मेरे गणित के टीचर को मैं पूछता हूं क्यों पढ़ाया मास्टर जी आपने मुझे, तो कहते क्या करूं यार, काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान है। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं, कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाइए, उनकी जिंदगी का 90-95% बेकारी जाने वाला है। अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे हैं जो कभी काम नहीं आएगा जिंदगी में, तो आप ही अत्याचार मत करिए। फिर आप कहेंगे जी स्कूल तो सुबह ही चलते हैं, तो स्कूल वालों को मिलकर समझाइए कि बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को रखें। अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ना, स्कूल के मास्टर जी के पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, फीस आप दे रहे हैं। आप मिलकर कहेंगे तो स्कूल वालों को झक मार के सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो आपसे चल रहा है, आप स्कूल से नहीं चल रहे, स्कूल आपसे चल रहा है। आप लाखों रुपए उनको डोनेशन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं, तो उनको कहिए छोटे बच्चों के स्कूल कभी भी सवेरे नहीं होने चाहिए। 7 बजे से स्कूल चल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उनका स्कूल 11 बजे से 12 बजे से होना चाहिए। आप प्रयास करिए, सफलता मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अपना अलग स्कूल ही खड़ा कर दीजिए। हाँ, क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए, आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं, कोई करोड़पति से कम नहीं है, क्या मुश्किल है। एक स्कूल ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा। जी हम आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे, हम बागवट के हिसाब से चलेंगे, हमारा बच्चों का स्कूल दोपहर को ही शुरू होगा। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है। जब से मैंने ये बातें मेरे मित्रों से शेयर की, हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं देश भर में, करीब 18,000, उनसे जब शेयर की तो उन्होंने कई कई जगह प्रयास किए, कुछ में सफलता भी मिली, स्कूल वाले मान गए, समझ गए, बागवट के सूत्र उनको समझाए तो वो मान गए। हाँ, बच्चों को, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है, उसके भी अपने बच्चे हैं, वो भी देख रही है, महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है,
तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए, क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में है, तो डबल असर होगा, इसलिए सुबह उनको नींद अच्छी आएगी। सुबह नींद अच्छी आएगी तो उनको झकझोर के जगाइए मत। अब सुबह की नींद उनकी ठीक से आए इसके लिए वो रात को जल्दी सोए, तो 8 बजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजिए। 8 बजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे, बच्चे तो जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं। तो आप 8 बजे के बाद टीवी को बंद करने का नियम डाल दीजिए। बच्चों में आदत पड़ गई नींद आने की 8 बजे, तो वो सोएंगे, भरपूर नींद लेंगे, सुबह 6 बजे तक उठेंगे, बहुत अच्छे से उठेंगे, फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। उनके मन में ना चिड़चिड़ापन होगा, ना गुस्सा होगा, ना कोई निगेटिव थॉट होगा, क्योंकि नींद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोजन। तो भरपूर नींद लीजिए, लिया लेने दीजिए, क्योंकि वो कफ के असर में है। तो बच्चों की दिनचर्या में आप ये ध्यान रखिए कि 8 से 10 घंटे सोना कंपलसरी, एक बात। दूसरा, बच्चे कफ के प्रभाव में है, ये मैं बार बार कहूंगा आपसे ताकि याद रहे, बच्चे कफ के प्रभाव में है, और कफ का प्रभाव क्षेत्र जो है ना वो जान लीजिए, हृदय से ऊपर और मस्तिष्क का अंतिम बिंदु, ये कफ का क्षेत्र है, हृदय से ऊपर, यहां से ऊपर पूरा, ये कफ का क्षेत्र है, हृदय से नीचे नाभि तक ये पित्त का क्षेत्र है, और नाभि से नीचे पूरा ये वात का क्षेत्र। तो बच्चे कफ के असर में है, तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे वो यहां से ऊपर वाले ही होंगे, बचपन के, नाक बहेगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी आएगी, ये सब इसी एरिया के रोग हैं। तो भागवत जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें, बिगड़े नहीं उनका कफ, तो इसके लिए बच्चों की मालिश, उन्होंने एक शब्द बहुत सुंदर शब्द दिया, अभ्यंग मालिश, मालिश बहुत जरूरी है, बच्चों की मालिश बहुत ही जरूरी है, तेल मालिश, बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी है। वैसे तो सब माताएं करती ही हैं, अनजाने में वो एक बड़ा काम कर रही है। कफ को कम करने की जो दूसरी चीज बताई है भागवत ने, एक तो मैंने बताया नींद जो कफ की विकृति को कंट्रोल में रहती है, दूसरी चीज जो कफ को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, वो है मालिश, घिसाई, रगड़ाई, ये कफ को कंट्रोल करती है। नींद के बाद हो गई मालिश, तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है। तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर आते हैं, तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए। अब भागवत जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे, वो प्राणायाम ना करे, योग आसन भी ना करे। ध्यान रखिए इस बात को, भागवत जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम, ना तो आसन, ना तो प्राणायाम, उसके लिए है मालिश, रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के, ठीक है। तो मेरी आपको विनती है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए। कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के, वो रामदेव जी का चल रहा है, चल तू भी कर, उसके लिए नहीं है ये। व्यायाम, योग, प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली, पित्त वालों को सबसे ज्यादा, कफ वालों को बिल्कुल नहीं। योग, प्राणायाम, आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं, वात वालों को थोड़ा, पित्त वालों को सबसे ज्यादा। यह है सूत्र भागवत जी। तो बच्चों को मत प्रेरित करिए कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी एक्सरसाइज करो, उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये एक्सरसाइज जितनी कम हो उतना अच्छा। मालिश करिए उनकी, भरपूर मालिश करिए। अब तीसरी बात, तीसरा सूत्र, बच्चों की मालिश कहां करें जी? पूरे शरीर में करें, पूरे शरीर में करिए। लेकिन भागवत जी कहते हैं कि कफ का असर कहां है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, छाती से लेके ऊपर तक, तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिश ज्यादा करिए ताकि कफ थोड़ा शांत रहे। तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूं, बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए, सिर, ये ऊपर का हिस्सा, धीरे 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 तेल लगा के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। तो मालिश किससे करेंगे? तेल से। तेल जो है कफ नाशक है, तेल जो है ना
कफ नाशक है। तो सिर की मालिश करेंगे, छोटे छोटे छिद्र हैं, तेल इससे अंदर जाएगा, कफ को सामान्य रखेगा, तो कफ के प्रभाव में बिगड़ेंगे नहीं बच्चे, माने गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। तो बच्चों के सिर की मालिश बहुत जरूरी है, सिर की मालिश। दूसरा वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा स्थान है, एक तो सिर हुआ, दूसरे है कान। ये कान है ना, ये कफ के स्थान है, तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कान की मालिश कैसे करें? बस तेल लगाइए, हाथ में ऐसे ऐसे घुमाइए, फिर उल्टा घुमा दीजिए, फिर ऐसे घुमा दीजिए, और थोड़ा तेल कान में डाल के रखिए उनको, क्योंकि कफ का स्थान है कान, तेल डालते ही कफ शांत होगा। तो हमारी पुराने जमाने की जो माताएं हैं वो रोज बच्चों को कान में तेल डालती थी, वो अनजाने में बहुत बड़ा वैज्ञानिक काम करती थी। देखा ना पुराने जमाने की माताओं को, आज के जमाने की माताएं तो कहती चिपचिपा है तेल, तेल चिपचिपा है तभी तेल है, नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो पुराने जमाने की माताएं बच्चों को बराबर कान में तेल डाल के रखती थी, तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालिया।